स्नाइपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं लाई हूँ एक न्यू वीडियो, एक फेस वॉश की वीडियो लाई हूँ। होममेड रेमेडी है तो बहुत ही पसंद आएगी। आप उसको रेगुलर रूटीन में यूज़ कीजिएगा, ये आपके फेस को क्लीन करेगी, क्लींस करेगी और सारे डर्ट्स को रिमूव करेगी और इसका असर आप खुद ही अपने फेस में थोड़े ही दिनों में महसूस करेंगे। तो आइए चलिए हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेमन, लेमन चाहिए 1 स्पून, 1 टेबल स्पून। एलमंड ऑयल भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एलमंड ऑयल यूज़ करेंगे और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर चाहिए होगा हमें 1 कप और हमें चाहिए होगा चावल का आटा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेमन हमें ब्लीचिंग इफेक्ट देगा, हमारे टैन को रिमूव करेगा। एलमंड ऑयल हमें मॉइस्चराइज करेगा और ये जो राइस फ्लोर है इसके बेशुमार फ़वाद हैं। अगर हम डेली रूटीन में इसे यूज़ करते हैं तो इससे हमारे स्किन के सारे डर्ट्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट देता है। अगर हम इसे डेली रूटीन में रखें, इसके साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर के साथ यूज़ करें डेली, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे मिल्क के साथ यूज़ करें। ये डेली रूटीन स्किन केयर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और हमारे पास है नेक्स्ट मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी आपको पता है ये ऑयल को कंट्रोल करती है, डर्ट को रिमूव करती है। ये बहुत ही बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, तो बहुत ही बेस्ट है ऑल टाइप स्किन के लिए है बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये डेली यूज़ कीजिए रोज वाटर के साथ, तो ये आपके ऑयल कंट्रोल करती है, एक्ने को रिमूव करने में हेल्प करती है। और लास्ट है ये क्या है, ये है सोप, क्रश किया हुआ सोप है। कोई सा भी आप सोप ले सकते हैं, इसको आप ग्रेट कर लीजिए। और इस रेमेडी के लिए हमें कोई सा भी सोप यूज़ करना होगा तो मैंने तो बेबी सोप यूज़ किया है क्योंकि इसमें केमिकल बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। तो ठीक है, आइए चलिए हम अपने रेमेडी की तरफ मूव करते हैं और हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए एक बॉल ले लेंगे। बॉल लेने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। ये हो गई 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून फ्लोर, वाइट फ्लोर, चावल का आटा, राइस फ्लोर वो यूज़ करेंगे। इसके बेशुमार फ़वाद ही इसमें ग्रोथ देता है और ये कोरियन वगैरह की स्किन केयर में यही आटा यूज़ किया जाता है, वाइट राइस आटा। राइस के फ्लोर से ही इसके बेहतरीन नतज आते हैं। अगर हम इसे डेली रूटीन में रखेंगे तो हमारी स्किन बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। इसकी बहुत सारी नाइट क्रीम्स वगैरह भी बनती हैं। मैं कंटिन्यू आगे अपनी किसी न किसी रेमेडी में ये भी आपको नाइट क्रीम बनाना भी सिखाऊंगी राइस फ्लोर से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेमन। लेमन हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, तो मैं इसे हाफ ही इसमें स्क्वीज कर लेती हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल भी 1 टेबल स्पून ही हमें चाहिए होगा। अब है हमारे पास क्रश, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। आपको 4 टेबल स्पून ये चाहिए होगा। ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें 1 कप के बराबर रोज़ वाटर यूज़ करेंगे। कोई सा भी रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं 1 कप के बराबर। अब हम इसे स्टीमर में स्टीम कर लेंगे कि ये सोप मेल्ट हो जाए और ये सब के सब एक फॉर्म में आ जाए, क्रीमी फॉर्म में, जैसे कि फेस वॉश होता है क्रीमी फॉर्म में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बॉयल करेंगे। बॉयल आप स्लो आंच पे कीजिएगा, तेज़ आंच पे मत कीजिएगा। मैं एक पैन पॉट पतीला लूँगी, उस पतीले देगची के अंदर गर्म पानी करूँगी और इसके ऊपर इसको रख दूँगी, तो ये सोप आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शेक करना होगा ताकि ये चिपके नहीं।
सूप को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि सब एक साथ मर्ज हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए इस फॉर्म में है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखिएगा क्योंकि ये ड्राई होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा आप शुरू में ही थिक रख देंगे तो ड्राई होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, इसे मैंने इस बॉटल में फिल कर लिया है, अच्छा अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फेस वॉश की तरह है, ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। हमने इसे रब किया, आप अपने फेस पे रब करेंगे, देखें ये झाग बन रहे हैं। हम इस पर वाटर भी स्प्रे करके देख लेंगे, ये देखें ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, जब भी आप यूज़ कीजिए इसे ही यूज़ कीजिए और इससे बेशुमार फ़ायदे हासिल कीजिए। अच्छा जी, चलें चलते हैं, इसे सिर्फ आप 7 डेज तक ही स्टोर कीजिएगा, फिर इसे वेस्ट कर दीजिएगा और न्यू रेमेडी बनाइएगा इसकी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।